अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा दो कनाल पर मुश्तमिल फुली फर्निश्ड क्लासिकल डिज़ाइन में बना हुआ ब्रैंड न्यू बहुत ही खूबसूरत और शानदार घर जिसकी लोकेशन DHA फेज 6 लाहौर है। ये जी आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं जो कि किसी महल से कम नहीं है और आज तक DHA में ये सबसे खूबसूरत और आलीशान घर है। घर की अकोमोडेशन की बात करते चलें तो ये घर फुल बेसमेंट के साथ है, 6 इसमें मास्टर बेडरूम्स हैं और काफ़ी बड़ा आपको इसमें स्विमिंग पूल मिल जाता है जो कि हॉट एंड कूल सिस्टम के साथ है। और इसके अलावा इसमें होम थिएटर है, 3 टीवी लॉन्ज हैं, 4 इसमें किचन्स हैं और दीगर कई आपको खसूसियात मिल जाती हैं। और इस वक्त तक DHA में ये सबसे खूबसूरत और अच्छा घर है। और क्वालिटी के हवाले से बात करते चलें तो इस घर में टोटल A+ लग्जरी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा ताकि आपके सामने सारी डिटेल्स बरवक्त आती रहें, घर की लोकेशन, घर के प्राइस, घर का खूबसूरत डिज़ाइन और कॉन्टेक्ट नंबर। और जिनके भी नसीब में ये घर हो, अल्लाह ताला उनके लिए बाई से रहमत, बाई से राहत, बाई से इज्जत और बाई से बरकत बनाए। यह आपको घर का फ्रंट एलिवेशन क्लोज करके दिखाते चलें, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत अंदाज के साथ फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया गया है। और इसी तरह से ये ऊपर रूफ टॉप पे भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन आपको यहाँ पे सिटिंग मिल जाती हैं, आप बैठ के मीटिंग कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी पार्टी वगैरह आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और ये घर के बाहर एक्सटर्नल लॉन और इसी तरह से अंदर वाली साइड से आप इंटरनल लॉन भी देख सकते हैं। तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। ये इसका गैराज है जिसमें तकरीबन 5 से 6 बड़ी गाड़ियाँ आप बिल्कुल आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। गैराज में बिल्कुल सामने साइड गली और ये दूसरी साइड पे डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत एंट्रेंस है। और ये अंदर वाली साइड से आपको इंटरनल लॉन एरिया दिखाते चलें। इंटरनल लॉन में आपको आबशार सिस्टम और इसी तरह से बिल्कुल सामने आपको बेहतरीन सीटिंग मिल जाती हैं। आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी लाजमी दबाइएगा ताकि आपके सामने तमाम तर अपडेट्स बरवकत पहुंचती रहें। ये दूसरी साइड से आपको इंटरनल लॉन एरिया दिखाते चलें। ये जी डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत एंट्रेंस। तो आइए आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। अंदर जाते ही इसकी डबल हाइट्स लॉबी आ जाती है। सबसे पहले आपको डबल हाइट्स लॉबी जरा डिटेल के साथ दिखाते चलें। ये दूसरी साइड से लॉबी दिखा रहे हैं डबल हाइट्स की एंट्रेंस। ये लॉबी में खूबसूरत फानूस। लॉबी में ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ऑफिस के लिए सेटअप है बिल्कुल, उसके साथ ही ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां, बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता। और ये राइट साइड पे फायर प्लेस है और बिल्कुल इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये पाउडर रूम एरिया आ जाता है। ये आपको लॉबी के एक दफा फिर से फुल व्यू दिखाते चलें। ये जी लॉबी में फायरप्लेस। अब आपको जरा डिटेल से दिखाते चलें, ये ऑफिस है और बिल्कुल उसके साथ ही ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और इसी तरह से ये नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता है बिल्कुल, उसके साथ ही टीवी लॉन्च एरिया आ जाता है और टीवी लॉन्च के साथ ही ग्राउंड फ्लोर के 2 मास्टर बेडरूम्स हैं। और ये इस साइड पे डबल हाइट्स के ऊपर खूबसूरत लॉबी है, नीचे स्विमिंग पूल एरिया है। और ये दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं तो ये किचन है, किचन के साथ ही ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। इस घर में लिफ्ट सिस्टम भी है जिसका कनेक्शन नीचे बेसमेंट से लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक है। ये जी नीचे बेसमेंट में जाने के लिए रास्ता, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां, बिल्कुल सामने एंट्रेंस, उसके साथ ही पाउडर रूम, लिफ्ट सिस्टम और उसके साथ ही ड्राइंग डाइनिंग एरिया। आपको आगे की तरफ लिए चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिफ्ट सिस्टम है। लिफ्ट का जो कनेक्शन है वो नीचे बेसमेंट से लेके ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक है। और ये इस साइड से डबल हाइट्स लॉबी आप देख सकते हैं। तो आइए आपको लॉबी से लिए चलते हैं ड्राइंग और डाइनिंग की तरफ।
ये जी ड्राइंग रूम एरिया है। ड्राइंग रूम में विंडो और इसी तरह से खूबसूरत यहाँ पे आपको सिटिंग मिल जाती है। बिल्कुल सामने फायरप्लेस है और ये दूसरी साइड पे डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग का जो कनेक्शन है वो किचन के साथ भी है। ये जी ड्राइंग रूम में ऊपर सीलिंग डिजाइन, ये आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें। ड्राइंग रूम बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं डाइनिंग एरिया, डाइनिंग के कनेक्शन किचन के साथ। और इस साइड से आपको दिखाते चलें डाइनिंग का जो कनेक्शन है वो किचन के साथ भी है, डबल हाइट्स लॉबी के साथ भी है। ये जी डाइनिंग का फुल व्यू और ये जी डाइनिंग का फुल व्यू। ड्राइंग डाइनिंग से चलते हैं बाहर डबल हाइट्स लॉबी की तरफ। और यहां से आपको लिए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के मास्टर किचन की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का किचन, ऊपर सीलिंग डिजाइन, काफी खूबसूरत अंदाज के साथ किचन को डिजाइन किया गया है। वुडवर्क आप देख सकते हैं किचन में। बिल्कुल सामने सर्विस किचन, डबल डोर फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, काफी सारी आपको यहाँ पे एसेसरीज इंस्टॉल मिल जाती हैं। ये जी सर्विस किचन। इस किचन का जो कनेक्शन है वो बाहर साइड गली के साथ भी है, जो कि मुलाजमीन वगैरह के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है। चलते हैं फिर से बड़े किचन में और यहाँ से आपको लिए चलते हैं बाहर डबल हाइट्स लॉबी की तरफ। ये जी हम आगे बाहर लॉबी में, लॉबी से चलते हैं टीवी लॉन्च की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च में ऊपर सीलिंग डिजाइन फानूस के साथ। टीवी लॉन्च का फुल व्यू, एलसीडी पॉइंट, बिल्कुल सामने विंडो। और ये इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो पेशियो में आमने सामने दो बेडरूम्स हैं और ये फायरप्लेस। टीवी लॉन्च का फुल व्यू, चलते हैं आगे मास्टर बेडरूम्स की तरफ। ये जी ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम। बेडरूम में बिल्कुल सामने खूबसूरत सीटिंग और ये आप देख सकते हैं खूबसूरत बेड डिजाइन। ये जी बेडरूम में सिटिंग, बेडरूम से चलते हैं अटैच वॉशरूम की तरफ। ये जी मास्टर वॉशरूम है, वॉशरूम में ये ड्रेसिंग एरिया। आगे वॉशरूम की तरफ चलते हैं। ये जी बेसिन एरिया, डबल वैनिटीज के साथ। ये जी बेसिन एरिया और ये जकूजी, बिल्कुल सामने एलसीडी। ये शावर केबिन, रेन शावर के साथ। चलते हैं फिर से बेडरूम की तरफ। बेडरूम से चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ। ऊपर सीलिंग डिजाइन, बेडरूम में ड्रेसिंग एरिया, अटैच वॉशरूम और ये खूबसूरत बेड डिजाइन। ये दूसरी साइड से आपको दिखाते चलें। ये जी ड्रेसिंग एरिया और अटैच वॉशरूम, ड्रेसिंग एरिया, ये वॉशरूम है, वॉशरूम में बेसिन एरिया। बिल्कुल सामने शावर केबिन, कमोड एरिया। चलते हैं फिर से बेडरूम की तरफ और बेडरूम से चलते हैं बाहर टीवी लॉन्च की तरफ।
यहाँ से आपको लिए चलते हैं बाय डबल हाइट्स लॉबी की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का फुल डिटेल के साथ विजिट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बड़ा आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है, एक मास्टर बेडरूम मिल जाता है, टीवी लाउंज एरिया है, किचन है, दो आपको स्टोर रूम मिल जाते हैं, जिम के लिए ऑप्शन है, और इसके अलावा काफ़ी बड़ा आपको होम थिएटर एरिया मिल जाता है। जी हम आगे बेसमेंट में, सबसे पहले आपको स्विमिंग पूल का फुल व्यू दिखाते चलें। स्विमिंग पूल के साथ ही टीवी लाउंज एरिया है और ये सामने आप देख सकते हैं। ये आपको दूसरी साइड से दिखाते चलें, किचन एरिया, उसके साथ ही होम थिएटर, बिल्कुल सामने जिम के लिए ऑप्शन, और ये जी स्विमिंग पूल एरिया है। आपको स्विमिंग पूल क्लोज करके दिखाते चलें। स्विमिंग पूल डबल हाइट्स के ऊपर है, आप डबल हाइट्स पे खूबसूरत स्विमिंग पूल के ऊपर लॉबी देख सकते हैं फानूस के साथ। स्विमिंग पूल से लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ। ये जी टीवी लाउंज एरिया है और इसी तरह से ये मास्टर बेडरूम है, बेडरूम के साथ ही लिफ्ट सिस्टम है। फुल डिटेल के साथ आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं बेसमेंट में भी, आखिर तक साथ रहिएगा। ये जी दो स्टोर्स हैं यहाँ पे, और इसी तरह से ये किचन है बेसमेंट के लिए। आगे चलते हैं, ये होम थिएटर है, होम थिएटर के साथ ही आपको जिम के लिए ऑप्शन मिल जाती हैं, और ये नीचे ड्रेसिंग के लिए आपको जगह मिल जाती है स्विमिंग पूल के लिए। तो आइए आपको ज़रा डिटेल से दिखाते चलें। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जिम वाली ऑप्शन की तरफ। इस जगह को आप नमाज के लिए भी मुख्तस कर सकते हैं, आप जिम के लिए भी कर सकते हैं, स्टडी रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस के लिए आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं बाहर होम थिएटर की तरफ। ये जो होम थिएटर है, काफ़ी बड़ा आपको होम थिएटर मिल जाता है, तकरीबन 10 से 12 लोग आसानी से यहाँ पे बैठ सकते हैं। चलते हैं होम थिएटर से बाहर की तरफ। ये जी बेसमेंट के लिए किचन है, ओपन किचन, किचन का फुल व्यू। ये किचन के लिए स्टोर रूम। और ये नीचे बेसमेंट में आपको दूसरा स्टोर मिल जाता है। और ये इस साइड पर लिफ्ट सिस्टम है, उसके साथ ही बेसमेंट का मास्टर बेडरूम है। तो चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। बेडरूम में ऊपर सीलिंग डिजाइन, काफी बड़ा, वसी और कुशादा यहाँ पे आपको बेडरूम मिल जाता है। खूबसूरत अंदाज के साथ इस बेडरूम को भी डिजाइन किया गया है। अच्छा, इस घर की लोकेशन DHA फेज 6 की काफ़ी अच्छी और बेहतरीन लोकेशन है। अब हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आके इस घर को विजिट कर सकते हैं। ये जी इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम में ड्रेसिंग एरिया, बिल्कुल सामने बेसिन एरिया, जुकोजी, और ये इस साइड पर शावर केबन, रेन शावर के साथ, और ये जुकोजी, बेसिन एरिया, डबल वैनिटीज के साथ। और ये जी वॉशरूम का फुल व्यू, ऊपर सीलिंग डिजाइन, ड्रेसिंग एरिया। वॉशरूम से चलते हैं बाहर बेडरूम में, और बेडरूम से चलते हैं टीवी लाउंज की तरफ। ये जी टीवी लाउंज एरिया है बेसमेंट में, टीवी लाउंज का फुल व्यू, फायरप्लेस, खूबसूरत सीटिंग, और ये इस साइड पे LCD पॉइंट। चलते हैं बाहर, ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट का डिटेल के साथ विजिट कर चुके हैं, अब आपको लिए चलते हैं ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर से आपको लिए चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे।
ग्राउंड फ्लोर से चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे तीन मास्टर बेडरूम्स हैं, टीवी लॉन्ज है, किचन है और एक बड़ा आपको टेरेस मिल जाता है। ये जी हम आगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, ये डबल हाइट्स लॉबी का आपको फुल व्यू दिखाते चले ऊपर वाली साइड से, खूबसूरत फानूस, नीचे लॉबी एरिया। चलते हैं टीवी लॉन्ज की तरफ, ये ऊपर वाले पोर्शन का टीवी लॉन्ज है। टीवी लॉन्ज में बिल्कुल सामने दो बेडरूम्स हैं और इसी तरह से ये इस साइड पे एलसीडी पॉइंट है और ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर का किचन है। आपको ले चलते हैं किचन में, ये जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का किचन है यहाँ से आप ऊपर रूफ टॉप के लिए भी जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा वसी और कुशादा आपको यहाँ पर भी किचन मिल जाता है। चलते हैं फिर से टीवी लॉन्च की तरफ और यहाँ से आपको लिए चलते हैं मास्टर बेडरूम्स की तरफ। ये जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर के मास्टर बेडरूम्स हैं, ये पहला बेडरूम, बेडरूम का फुल व्यू, बिल्कुल सामने खूबसूरत सीटिंग और ये इस साइड पे बेड डिजाइन। ये जी खूबसूरत सीटिंग, और ये इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में ड्रेसिंग एरिया, बिल्कुल सामने वॉशरूम एरिया। चलते हैं आगे वॉशरूम की तरफ, शावर केबिन, बेसिन एरिया, ये जी रेन शावर के साथ शावर केबिन, जकूजी, और ये इस साइड से आपको ड्रेसिंग एरिया दिखाते चलें। आपको लिए चलते हैं बेडरूम की तरफ, बेडरूम में एलसीडी पॉइंट्स और आपको लिए चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन के दूसरे मास्टर बेडरूम में। बेडरूम में ऊपर सीलिंग डिजाइन, बिल्कुल सामने जी ड्रेसिंग एरिया, अटैच वॉशरूम और ये जी खूबसूरत बेड डिज़ाइन। अच्छा, इस घर की लोकेशन DHA फेज 6 लाहौर है और इस घर की जो डिमांड है वो 45 करोड़ है, 45 करोड़ इस घर की डिमांड है। आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन बहरिया टाउन लाहौर है। हमारे पास 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल शॉप्स भी हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी हैं। 2.5 साल का हमारा पेमेंट प्लान है, 2 साल में हम आपको अपार्टमेंट्स का कब्जा दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफ़ी अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन है ये जो घर है, ये इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं है, ये कैश पे है। इस घर की जो डिमांड है वो 45 करोड़ है। ये जी स्टडी रूम है, इस एरिया को भी आप नमाज के लिए मुख्तस कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ अटैच वॉशरूम भी है और ये बिल्कुल सामने लिफ्ट सिस्टम है और ये इस साइड पे मास्टर बेडरूम आ जाता है। हमेशा की तरह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जिन हजरात के पास अपने ज़ाती घर नहीं है, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती घर अता फरमाए। हमारी अगली वीडियो आने तक के लिए अपना और अपने पैरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी नेक दुआ में हमेशा से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।